गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा हरा घास लगा हुआ है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पंकू भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने सोरोबन बिहार। और पंकू भाई जो आएंगे जोगिंदर नगर से, उनके साथ आएगा उनका फ्रेंड संजू और मेरी फ्रेंड कल्पना, और जो गाड़ी वाले भैया हैं जो ड्राइव करेंगे वो आएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि पंकू भाई कौन है, तो पंकू भाई जो है मतलब मेरे चाचू के बेटे हैं, मेरे पापा के जो धर्म भाई हैं उनके बेटे हैं। तो अभी मैं नानू के बेड पे बैठी हूँ अपने, अभी मैं खाना खुना खाऊंगी, फिर उसके बाद तैयार होंगी, और फिर उसके बाद जो पंकू भाई वगैरह है मेरे को KLV कॉलेज के पास से पिकअप कर लेंगे, फिर हम जाएँगे सोरोबन बिहार। तो बर्थडे के मोमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो मिलते हैं आपको सोरोबन बिहार में। गाइस तो पता नहीं ये कौन सा कार्टून था, और ये बोटें रखी हुई है यहाँ पर, मतलब ये ख़राब हो चुकी हैं अभी, इसलिए इनको यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर हो रही है बोटिंग वगैरह, और यहाँ पर ये जो छत टाइप का, यहाँ पर लोग बैठते बूटते हैं, मतलब इसके बीच में जो बोटिंग वगैरह होती है। गाइस तो भी हम यहाँ पर बैठ के जो कैंडल वगैरह जला रहे हैं, मतलब तेज़ लगी इसलिए कैंडल जल नहीं रही है। ये जो पंकू भाई के साथ बैठे हैं, ये जो है संजू भाई, और इनके साथ जो बैठे हैं ये सुभाष भाई, और साथ में ये जो बैठी है मेरी फ्रेंड कल्पना है। तो लगभग अभी हमारी कैंडल जल ही चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस तो भी हमारे साथ एक सीन ही हो गया, मतलब जो पंकू भाई केक खिला रहे थे ना, तो मेरे अचानक से नज़र गई कि उन्होंने मतलब कैंडल नहीं बुझाई है, तो बहुत ही फन हुआ हमारे साथ, और हम बहुत ही ज़्यादा हंसे। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें पता ही नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती रहती है, तो क्या हो गया, चिल मारो। गाइस तो मेरे को और कल्पना को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ने कभी ज़िंदगी में केक ही नहीं खाया है। मेरे को देखकर तो ज़्यादा ही लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही भूखड़ हूँ। गाइस वैसे मेरे को केक ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मेरे को ब्रेड रूट कुछ भी पसंद नहीं है, मेरे को क्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे को क्रीम बड़ी अच्छी लगती है केक में। गाइस तो पंकू भाई अपने सिक्स पैक बता रहे थे हमें। गाइस तो इसको हम बोलते हैं टिंग डोंग, हम बहुत ही ज़्यादा झूलते हैं। आप भी बताना कमेंट में, आप झूलते हो या नहीं झूलते हो। जब ज़्यादा नीचे चल जाते फिर उठाया नहीं जाता है। चल रहे लाचोर भाई। हम घूम घाम लिए, अभी हम वापस जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 5:50 शाम के, बहुत टाइम लगे गया हमें इधर फ़ोटो फाटो खींचने में और घूमने में। हमने बोटिंग करनी थी लेकिन हमें थोड़ा टाइम हो गया इसलिए हम बोटिंग नहीं कर पाए, और वहाँ पर भीड़ भी थी बहुत। हेलो गाइस तो अभी मैं अपने रूम में पहुँच चुकी हूँ। अभी पता क्या हुआ, मेरे को नींद लगी, ऐसा लगता है कि मन कर रहा है सोने का, तो मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी। तो कल ऐसा हुआ कि हम मतलब सोरोबन बिहार को जो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब हमें फ़ोटो वोटो खींचने में टाइम लग गया था, और फिर हम केक कट किया और ऐसी, और थोड़ी बहुत क्लिप्स ली थी मैंने लेकिन वो मेरे से डिलीट होगी। अगर नेक्स्ट टाइम मैं सोरोबन बिहार जाऊँगी तो आपको अच्छे से सोरोबन बिहार बताऊँगी। तो तब तक आप इस ब्लॉग से काम चलाइए, और मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय सभी को, टेक केयर। गाइस तो ये देखिए बंदर, फोन ले जाएगा, देख रहा है कि ऊपर कैसे चढ़ा जाए।
और साथी में उसके उस तरफ, वो देखिए उधर गया।